अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस, और आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबको लगेगा अपन ब्लॉग के लिए एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अरे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज है 30th of April और आज थोड़ा सा ऐसा स्पेशल वाला दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी की तरफ से, वेरी वेरी थैंक यू। एंड आज के दिन मुझे दो गिफ्ट मिले, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो पहले बुरे से स्टार्ट करते हैं। बुरा वाला जो गिफ्ट है वो मैंने खुद ही को दिया है, दैट इज़ ये दो तीन पिंपल्स जो मेरे चेहरे पे आए ना, यही। एंड ऐसा क्यों होता है यार कि अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो या कोई इवेंट हो या आपका बर्थडे हो या किसी और का बर्थडे हो, तो उसके दो दिन पहले ही आपके चेहरे पे ऐसे पिंपल्स आ जाएंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे कि अरे यार अब क्या करें, अब तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। बाय द वे, खैर ये सब छोड़ते हैं। सेकेंड जो गिफ्ट है वो मुझे दिया है यथार्थ ने, एंड वो है, हाँ तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ी एक्साइटमेंट होती है ना कि आपके पास आईफोन आ जाता है, तो जस्ट दैट। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ एंड बाकी का वीडियो आप देख लेना। ओके बाय बाय, सी यू। ऊपर आ गए, खाना खा लिया हमने, थोड़ा बहुत खाना खा लिया है और अभी बज गए 2:30। प्लान ऐसा है कि भरी दोपहरी में हमको घूमने जाना है, तो समृद्धि आ रही है और मेरे जो बाकी एक दो फ्रेंड्स हैं हम लोग सब जाएंगे घूमने। एंड क्या तो हम लोग निकलने वाले थे भाई, ये क्या चल रहा है? तो 2:30 बजे निकलने का प्लान था और अभी बज रहे हैं शाम के ना, शाम की बोलने लगी, और अभी बज रहा है दिन के 4, मतलब हमको 1.5 घंटा लगा तैयार होने में, और सामने से एक गाड़ी आ गई है, पैक करना पड़ेगा। क्या है भाई, दीदी आगे निकाल लो पीछे कर लो। लग रहा है स्टारबक्स चलते हैं, जैसी चाय अपन को चाहिए वो यहाँ मिलने नहीं वाली, वो तो सिर्फ घर पे ही मिलने वाली है, या तो तू बनाएगी या मैं भी चाय अच्छी बना। साइड में सॉस डाल लिया है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई है आज। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? नहीं यार भूख लग रही थी। आई ना, नहीं हो पाएगी ना, देखिए इतनी देर से कोशिश ये कर रहे थे बोलने की कि मॉलिक्यूल अच्छा था यार, खाना भी ठीक था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, अगर आपके पास अच्छा फोन है तो अच्छे फोटो आ जाएंगे, बस ठीक है। ओके बाय बाय। वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी। अभी फिर कहीं जाने का प्लान है, तो जाएंगे, रेडी होंगे और मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में। रेडी? आप भी रेडी? देखा क्या मैंने? अरे ये कब पीने वाला है क्या? बहुत दिन सोच रहे थे हाँ कि कभी पहन लेंगे, फिर हमें याद आया यार पलक बोल रही है। अच्छा इतना नहीं भी था और फिट भी आ गया आपको, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस, और आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबको लगेगा अपन ब्लॉग के लिए एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अरे। एक फोटो देख के और कॉपी को भेज दे। हाँ ठीक है ना। हाँ क्यों, मैंने क्या करा सेल्फिश?
तूने अपने बर्थडे ब्लॉग बना लिया, कल ही था मेरा बर्थडे, तूने फोटो तक नहीं खींची अच्छे से। मैंने बहुत सारी अच्छी फोटो खींची है, इंस्टाग्राम पे डली हुई है, प्रूफ है। ब्लॉग तो नहीं आया। तुम दिन भर ऑफिस गए थे भाई, ब्लॉग कैसे बनाते, क्या करते दिन भर का? आपको छुट्टी लेनी चाहिए थी। ना करने के बहुत बहाने कर जाने का है। चलो स्टार्ट करो। चले चलो चलो बाद आप बाहर का खाना खाओगे? अभी 15 दिन तक आउटिंग बंद। क्यों? इसकी मन की हालत कितनी? बहुत ज्यादा खाने का यार, बिल्ली निकल के जा रही सामने से। और भी कुछ बोलना चाहोगे आप? ये ब्लॉग बहुत गंदा है। अच्छा क्यों नहीं बोलते हो यार? आज पलक दीदी का बर्थडे है तो पलक दीदी को हैप्पी बर्थडे, और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और क्या बोलते हैं बर्थडे का? एक ही चीज दो बार तो रिपीट कर ही दिया आपने। साइनिंग ऑफ। वे मतलब साइनिंग ऑफ बंद करो भाई, कब से ब्लॉग बना रही हो तुम? मेरे बर्थडे तुमने बनाया नहीं ब्लॉग, आई रिपीट। सुनो, ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे दो चार लोगों की ऐसी मनोकामना है कि तुम ब्लॉग में आया करो, तुम थोड़ा कंटेंट दे दिया करो जिससे वो मेरा ब्लॉग देख लिया करेंगे। तुम कुछ कहना चाहोगे? था 150 रुपया लेगा। 150 रुपया लेगा तो आएगा। 150 रुपया नहीं है। उनको बताता ना, एक बार काउंटर पे काम वो आए फॉर्म मांगने बैंक में, तो उनको क्या पैसे ट्रांसफर करने थे, तो क्या बोलते मुझे फॉर्म दे दीजिए काय का, RT-PCR का। वो RTGS का फॉर्म मांग रहे थे, RTGS का फॉर्म दे दो। बैंक में भी RTGS का फॉर्म चाहिए। उस टाइम बहुत ज्यादा कोरोना चल रहा था क्या? नहीं, सब ठीक हो गया था, तो अंकल को बोलना नहीं आता। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा एंड काफ़ी अच्छा बर्थडे मना। दिन में घूमने गए, शाम को फैमिली के साथ घूमने गए, तो अच्छा लगा यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू पलक बाथम एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।